हो सकती हैं। और अब रुक करेंगे चौथी खबर का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से जनरेट किए गए डीप फेक वीडियो और कंटेंट पर रोक लगाने के लिए मोदी सरकार डिजिटल इंडिया बिल लाने वाली है। इस विधेयक में एआई टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग और तरीकों पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस बिल के लिए विपक्षी दलों का समर्थन लेने की भी कोशिश करेगी। 24 जून से शुरू हो रहे 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में डिजिटल इंडिया बिल पर भी बहस हो सकती है। इस बिल में सोशल मीडिया पर जारी होने वाले वीडियो को रेगुलेट करने का प्रावधान भी हो सकता है। डीप फेक के खिलाफ डिजिटल इंडिया बिल में प्रावधान होगा कि फेक कंटेंट जहां अपलोड होगा उस प्लेटफॉर्म को भी जिम्मेदार माना जाएगा। डीप फेक कंटेंट मिलते ही कोई भी FIR करा सकता है। विक्टिम और उसकी तरफ से नियुक्त व्यक्ति को भी केस दर्ज कराने के अधिकार होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजर से यह शपथ लेगा कि वो डीप फेक कंटेंट नहीं डालेगा। प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स को इस संबंध में अलर्ट मैसेज देंगे। सहमति के बाद ही यूजर अकाउंट एक्सेस कर सकेगा। डीप फेक कंटेंट को 24 घंटे में हटाना भी होगा। डीप फेक को रोकने के लिए केंद्रीय IT मंत्रालय ने नए नियम चुनाव से पहले जनवरी में ही तैयार कर लिए थे। इसके मुताबिक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नए नियमों का उल्लंघन करेगा उसका भारत में कारोबार रोक दिया जाएगा। पीएम मोदी ने 28 मार्च को माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स को दिए एक इंटरव्यू में डीप फेक वीडियो के खतरे को बताया था। मोदी ने कहा था कि AI अच्छी चीज है, लेकिन अगर यह सही ट्रेनिंग के बिना किसी को दिया जाता है तो इसका दुरुपयोग होने की आशंका है। मोदी ने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कोई भी डीप फेक का इस्तेमाल कर सकता है, लिहाजा AI जनरेटेड कंटेंट्स पर वाटरमार्क होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि ये AI जनरेटेड है। इससे कोई गुमराह नहीं होगा।